हेलो भाई, मैं ओमन। आज हमारे पास एक ऐसी कार है ना जिसके लिए मतलब क्रेज ही अलग है। और इस कार में वो चीज़ है, वो है ऊपर देख सकते हो आप लोग। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन XMS वाली वेरिएंट। मतलब कि यार, ये बेस मॉडल में भी सनरूफ दे रखी है जो कि सिर्फ एक टाटा कर सकती है। क्या कुछ और देखने को मिल जाती है इस वीडियो में को देखो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्या ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है, वीडियो को देखो सब पता चल जाएगा। फिलहाल इसकी प्राइस बताता हूँ, तो ये आप लोगों को एक शोरूम प्राइस पड़ जाती है कोडरमा में 9,40,000 सिर्फ एक शोरूम। ऑन रोड अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग आकर पूछ सकते हो यहाँ पे SS मोटोजैन कोडरमा में। बाकी यार थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट कंसोल से। तो यार ये देखो, जैसा कि नेक्सॉन की जितनी भी वेरिएंट में जाओगे ना भाई, ये चीज़ तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी एंड ये डिजाइनिंग तो देखने को मिल ही जाएगी। बट यहाँ पे क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ना, दो हेडलाइट है। टॉप मॉडल में सिंगल हेडलाइट है बट इसमें दो हेडलाइट है। ये आप लोगों की हाई बीम है, ये लो बीम है। बाकी यहाँ पे जो देख रहे हो वो DRL है एंड नीचे साइड टर्न इंडिकेटर है। तो यार बेस मॉडल में भी आप लोगों को देख रहे हो DRL देखने को मिल जा रही है। और क्या चाहिए, साथ ही साथ प्रोजेक्टर भी जो कि लो बीम है एंड नीचे फॉग लाइट नहीं है बट आफ्टर मार्केट आप लोग लगवा सकते हो। यहाँ पे DRL का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे DRL का ऑप्शन दे रखी है कंपनी। एंड कुछ ऐसा इसका बोनेट एंड फ्रंट लुक, भाई नीचे ट्राई एरो पैटर्न डिजाइन है। यहाँ पे बड़ा सा दे रखी है पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में टाटा का लोगो। थोड़ा सा नीचे आए तो रेडी वाटर ग्रिल है, वो भी ट्रायल और पैटर्न डिजाइन के साथ। 207 mm का बूट ग्राउंड क्लियरेंस है यार, तो और क्या चाहिए। मतलब अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब गड्ढे वड्ढे में भी कुदा दो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। फ्रंट व्हील ड्राइव है, बाकी दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है, पेट्रोल एंड डीजल। अभी हम लोगों के पास पेट्रोल है जो कि 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, जो कि यार अच्छा खासा पावर जनरेट कर देती है, माइलेज भी अच्छा खासा है। बाकी यार इसमें और क्या देखने को मिलती है वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसा इसका साइड लुक। टायर सेक्शन आप लोगों को यहाँ पे 16 इंचेस का देखने को मिल जाता है, 195/60 सेक्शन का 16 इंचेस का टायर है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलता है, स्टील लिम के साथ स्टील कवर दे रखी है कंपनी। एक टाटा अभी नया निकाली है जो कि आप लोगों को रिदम पैक में देखने को मिलता है, उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल डिजाइनिंग लगेगा अलॉय व्हील्स के जैसा है बट नहीं, वो चीज़ इसमें मिसिंग है इसके। हाँ, अगर आप लोग XM प्लस वाली वेरिएंट में जाओगे, XM प्लस S जिसमें सनरूफ के साथ साथ और भी कुछ चेंजेस है, उसमें आप लोगों को अलॉय व्हील्स का डिजाइनिंग वाला टायर देखने को मिलेगा बट इसमें स्टील व्हील ही है। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे फाइंडर में इंडिकेटर नहीं है, साइड ORVM में जो कि मैट फिनिशिंग में, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ नहीं है बट ब्लैक थोड़ा सा रखी है मैट फिनिशिंग में। यहीं पे भी आप लोगों को साइड ORVM में ही टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है भाई स्पोर्टी लुक में। और 9 लाख में क्या चाहिए भाई, 9 से 10 लाख के बीच में और क्या चाहिए। सनरूफ भी आप लोगों को मिल जा रहा है, वो भी अंदर जाके मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ ऐसा लुक है, ये जो हैंडल बार है वो आप लोगों को ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, रियर वाली हैंडल भी ब्लैक में देखने को मिलेगा। रियर व्यू टायर है वो भी 16 इंचेस का है, सेक्शन सेम है एंड कुछ ऐसा है इसका रियर टेल लैम्प। ये टेल लैम्प भाई मेरे अकॉर्डिंग माने ना, मेरे को काफ़ी बेस्ट लगती है, ये जब रात में जलती है ना भाई एक नंबर लाइट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट जब कार बैक करोगे तो फिर ये लाइट ऑन हो जाएगी। बाकी ये देखो भाई कैसी लग रही है, एक बार नीचे कमेंट करके बताना। यहाँ पे हाई स्पीड स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा, एंटीना है, सार्फिन एंटीना दे रही नहीं दे रखी है कंपनी, डिफॉगर वाइपर नहीं है। बाकी वही टाटा जैसा कि अपनी सभी गाड़ी में करती है ये डिजाइनिंग, वो इसमें भी की है। वोकल प्लस वोकल की बैजिंग, यहाँ पे बीच में टाटा का लोगो। कैमरा की बात करें तो कैमरा तो नहीं है बट सेंसर दे रखी है दो, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। कैमरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। यहाँ पे नेक्सॉन की बड़ा सा बैजिंग, बूट यहाँ से ओपन नहीं कर सकते और लोग, बूट ओपन करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। बूट स्पेस की बात करें, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए बूट ओपन नहीं कर सकता हूँ। बूट स्पेस की बात कर ले तो आप लोगों को 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करती है नेक्सॉन, जो कि काफ़ी बेस्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे रियर पैसेंजर डोर की बात कर ले तो ऐसा कुछ इसका लुक है यहाँ पे डोर ओपन करने की, ब्लैक में। यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर फिनिश है, वाइट फिनिश नहीं है और ना ही ग्रे फिनिश बोल सकते हो, ये सिल्वर फिनिश है जो कि हैंडल बार है पकड़ने के लिए। क्वालिटी आप लोग सुन सकते हो, फैब्रिक क्वालिटी है, हार्ड टच है भाई। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट बट ट्विटर इसमें नहीं है, आप लोग आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, प्लेसमेंट तो दे रखी है कंपनी। नीचे की बात करें तो यहाँ पे स्पेस है, जैसे कि बोतल रखा हुआ है, बोतल होल्डर। यहाँ पे स्पीकर दे रखी है कंपनी, ये टोटल 4 स्पीकर के साथ आते हैं। अभी क्या है और भी आगे जाकर बताऊंगा। यहाँ पे ये विंडोज़ के कंट्रोल करने के स्विच ऊपर नीचे। बाकी ये है इसका रियर सीटिंग पोजिशन। यार आइसोफिक्स सबसे पहली बात करें तो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट तो देखने को नहीं मिलता है बट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है भाई। ग्लोबल एंड कैम में तो आप लोगों को पता ही क्या ये रेटिंग लेकर आई है। सीट की बात कर ले तो ये देखो भाई,
मतलब अच्छा खासा सीटिंग है। हेडरेस्ट की बात करें तो वो अटैच है, हेडरेस्ट आप लोग अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सीट बेल्ट का भी ऑप्शन है, देख सकते हो, ये देखो। एंड रियर आर्मरेस्ट नहीं दे रखी है कंपनी। थोड़ा सा इसमें बैठ कर बताऊँ तो यार गद्देदार लग रहा है मेरे को बैठने पे। बाकी यहाँ से मैं बूट दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसा इसका बूट जिसमें आप लोगों को पासर ट्रे देखने को नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे इंसुलेशन दे रखी है कंपनी। एंड यहाँ पे कोई भी एसी वेंट देखने को नहीं मिलता है, ना ही चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा स्पेस दे रखी है यहाँ कंपनी। यहाँ पर भी पहले चार्जिंग सॉकेट देती थी तो वो सॉकेट मिसिंग है, चार्जिंग सॉकेट कहीं पर भी रियर में देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये देखो भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मतलब कि जिसके पास बजट नहीं है, हैवी गाड़ी चाहिए, उसके लिए भाई ये बहुत मस्त है, बहुत मस्त। मतलब इसके सेगमेंट में है ना, इसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है जो कि कंपनी यहाँ पे दे रखी है। ये देख सकते हो, हटा के मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये ना सबसे बेस्ट लगी मेरे को। मिड क्लास फैमिली के लिए ये एक नंबर कार है। बाकी पटोल से गुजरने के लिए यहाँ पे हैंडल बार दे रखी है। यहाँ का सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा को ड्राइवर साइड, फिर मैं ड्राइवर साइड जाकर दिखाऊंगा। तो को ड्राइवर साइड का भी हैंडल बार वही सेम ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, एंड नीचे भी ब्लैक इंसर्ट दे रखी है कंपनी। को ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म है। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है, बट ट्विटर यहाँ पे दे रखी है कंपनी, यहाँ पे ट्विटर प्लेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा, मतलब दो ट्विटर, चार स्पीकर दे रखी है इसमें। यहाँ पे ट्विटर, यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे बोतल होल्डर, यहाँ पे वही सेम सिल्वर फिनिश, यहाँ पे ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल, डोर ओपन एंड लॉक अनलॉक, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ग्लव बॉक्स की बात कर ले तो ग्लव बॉक्स भाई काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स है, बहुत ज़्यादा डीप ग्लव बॉक्स इसमें दे रखी है कंपनी। कूलिंग तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पे टैबलेट के लिए भी कोई अच्छा खासा मतलब स्पेशल स्पेस नहीं दे रखी है। यहाँ पे आप लोग ये जो देख रहे हो वहाँ पे ग्लास वगैरह कुछ रख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी सिल्वर फिनिशिंग है जैसा कि डोर में देखने को मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। यहाँ पे एसी वेंट, एसी वेंट में साइड में क्रोम नहीं है, ये पूरी की पूरी ब्लैक है, क्रोम सिर्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा चलते हैं ड्राइवर साइड। थोड़ा सा सीट की बात करें तो को ड्राइवर साइड का जो सीट है वो बस बैक एडजस्ट के साथ है, हाइट एडजस्टमेंट के नहीं आती है, बट कुशनिंग देख सकते हो आप लोग भाई, आवाज़ सुनो, एक नंबर कुशनिंग दे रखी है कंपनी। अब सीधा चलता हूँ ड्राइवर साइड डोर। तो ड्राइवर साइड डोर में कुछ ऐसा है इसका, एंड यहाँ पे वही चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, रियर विंडोज़ लॉक करने के स्विच, यहाँ पे स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर, यहाँ पे साइड ओआरबीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल करने की सिस्टम, यहाँ का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इधर सीट की बात कर ले तो ड्राइवर साइड सीट भी आप लोगों को हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है, बस बैक एडजस्ट कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ का लुक देखो भाई, कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट कर बताना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एसी वेंट दे रखी है कंपनी। यहाँ पे आप लोग की इंसर्ट कर सकते हो जिसमें पूरी लाइट के साथ आती है, एंड यही तीनों पैर। थोड़ा सा बैठ कर मैं दिखाता हूँ भाई, तो सीटिंग कैपेसिटी भाई A1 है, सीट में मतलब कोई कमी नहीं है भाई, देख सकते हो आप लोग, सीटिंग कैपेसिटी एक नंबर लग रही है। यहाँ स्टीयरिंग की बात करें तो वही फ्लैट बॉटम में स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी लॉक है, चाबी मेरे को नहीं मिल पाया इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन ये म्यूजिक सिस्टम है, उसके कंट्रोल म्यूजिक सिस्टम छोटा सा दे रखी है कंपनी, आफ्टर मार्केट आप लोग बड़ा लगवा सकते हो, बट ऐसे कंपनी फिटेड छोटा सा ही आती है। एंड नीचे यहाँ पे एसी वेंट, इसमें चार ही एसी वेंट आता है, एक दो तीन, एक यहाँ चार, रियर में कोई एसी वेंट नहीं दे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ये जो है उसके कंट्रोल्स, यहाँ पे मैनुअल एसी वेंट देखने को मिल जाएगा, ये बूट ओपन करने की स्विच यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे बूट ओपन करने के स्विच नहीं देखने को मिलेगा, और दूसरा आप लोग की से बूट ओपन कर सकते हो। बाकी ये है भाई 6 स्पीड गियर स्पीड रहता, बाकी ये है भाई इस गाड़ी को रॉकेट बनाने वाला चीज़ क्या है, इको सिटी एंड स्पोर्ट भाई, इसके वजह से इस गाड़ी का पावर है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये इसका मीटर कंसोल, जो कि वही सेम जैसा कि सारा नेक्सॉन में देखने को मिलता है, वहाँ पे देख रहे हो आरपीएम मीटर, इधर टेम्परेचर वगैरह, बीच में स्पीडोमीटर वगैरह सब कुछ दिखाती है, जिसे आप लोग यहीं से ऐसे ऐसे दो नोक दे रखी है उसी से एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आईआरबीएम की बात करें, जो कि मैनुअल में डे नाइट आ नहीं आती है भाई, हाथ से ही ऐसे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी है कंपनी। एंड सनवाइज़र की बात कर लें तो कुछ नहीं है, को ड्राइवर साइड मिरर है, बाकी इधर का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ये देखो भाई, ये मेरे को काफ़ी बेस्ट लगता है नेक्सॉन का, मतलब इधर बैठ के ये सब देखने में एक नंबर लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है बोतल होल्डर के लिए, यहाँ पे स्पेस है, ये बोतल होल्डर यहाँ पे नहीं जाएगी, बट फोन वगैरह सब रख सकते हो, यहाँ पे भी स्पेस है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखी है, देख सकते हो, यहाँ पे USB का पोर्ट है, एंड ये हैंड ब्रेक,
एंड ब्रेक भाई बड़ा भयानक लग रहा है देखने में। एंड सबसे भयानक चीज़ यहाँ पर है, ये देखो वाइट लाइट दे रखी है, सबसे भयानक चीज़ ये जो कि मैं अभी रियर से दिखा था, ये माइक इंफोटेनमेंट के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, इसलिए यहाँ पे माइक दे रखी है कंपनी। बाकी ये देखो भाई ये सब, अभी की ऑन नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं होगा, बट यहाँ पे स्विच दे रखी है, ये सनरूफ का। तो ये देखो भाई कैसी लग रही, नीचे कमेंट कर बताना। एंड फ्रंट की जो दोनों हेडरेस्ट है वो एडजस्ट के साथ आती है, तो कैसे लगे नीचे कमेंट कर बताना। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ग्लोबल एन कैप तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्या ये ग्लोबल एन कैप में लेकर आई है और टाटा की कार कितनी सेफ है। इंजन आप लोगों को दो देखने को मिल जाता है, जो कि स्टार्टिंग में बताया पेट्रोल एंड डीजल। अभी हम लोगों के पास पेट्रोल वेरियंट है इसलिए आरपीएम देखो 8000 तक है, डीजल रहता तो 6000 तक रहता। तो यहाँ पे ये कुछ मैकेनिज्म मैं बता दिया, एक सबसे सीक्रेट चीज़ डीजल और पेट्रोल को समझने के लिए। बाकी इधर का मैकेनिज्म एंड ये कार कैसे लगे नीचे कमेंट कर बताना भाई। मतलब 10 लाख में क्या चाहिए, 10 लाख में आपको सनरूफ मिल जा रहा है और क्या चाहिए भाई। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कार से रिलेटेड एंड बाइक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन कीप सेफ, बाय।